हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। सो कुछ वर्क के वजह से मैं अपने चैनल पे नहीं आ सका था। सो नाउ आई विल मीट यू रेगुलर ऑन माई चैनल। सो विदाउट एनी डिले, till now we have covered some of the portion of organic farming, principles of organic farming, which is the very important part of our semester as well as a part of our particular semester. Okay, so till now we have studied restrictions to nutrient use in organic farming. मतलब किस प्रकार के nutrients use को हम nutrients को हम लोग we totally avoid. ओके, वी डू नॉट यूज इन आवर ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेज। ओके, सो विदाउट इन ए डिले लेट्स कम टू द मेन टॉपिक। ओके, व्हाट इज आवर मेन टॉपिक दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। आई होप जितना भी हमने अभी तक पहले का सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा है आप सब उसको रिपीट किए होंगे एंड इट विल बी क्लियर टू एवरी वन। स्टिल इफ एनी वन हैज सम प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक ऑफ अर्लियर डिस्कस्ड देन यू मस्ट गो थ्रू द टॉपिक वंस एंड प्लीज ask any questions either by calling me या by using in comment section. You can also ask your questions in comment section and we will get the possible solution for that. Okay, so in last class we had studied till here restrictions to nutrient use in organic farming. I hope आप लोग इस topic को पढ़े होंगे। So today topic that we will be studying is choice of crops and varieties इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हाइल वी डू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन एनी रीजन व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स एंड व्हाट काइंड ऑफ वैराइटीज शुड बी सिलेक्टेड। ओके, वही चीज के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग द चॉइस ऑफ क्रॉप्स एंड वैराइटीज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द फार्मिंग सिस्टम। If in any reason organic farming को अगर हमें बढ़ावा देना है, promote करना है उस चीज़ को हमें, if we have to see the advantages of organic farming, then the first thing is that we have to select proper varieties, proper seed. Okay, proper selection of crops should be done to further promote organic farming. Okay, so इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला जो है कि क्रॉप रोटेशन आई नो आप सब जानते होंगे फसल चक्र इसे हम कहते हैं। ओके, मतलब इन दिस क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर वाइज। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन विच इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ओवर टाइम। This helps to maintain soil health and fertility and also prevents the buildup of pests and disease. अगर हम किसी क्षेत्र में क्रॉप रोटेशन करते हैं, फसल चक्र करते हैं, तो उससे क्या होता है कि soil का health और fertility maintained रहता है and दूसरा चीज क्या होता है कि pest, insect pest और disease के जो increase होने के जो chances होते हैं उसको भी हम कम कर लेते हैं। ओके, तो उस केस में क्या होता है जब हम क्रॉप रोटेशन करेंगे, इसका मतलब कंसेप्ट क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। अगर हम क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं टाइम टाइम पे, तो वहाँ पे क्या होगा, सॉइल का फर्टिलिटी हेल्थ मेंटेन रहेंगे और इंसेक्ट पेस्ट का जब जनसंख्या कम होगा देन ऑब्वियसली वी नो वी विल रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, माय डियर स्टूडेंट्स, सॉइल टाइप एंड क्लाइमेट। The choice of crops and varieties should be based on the soil type and climate of the region. मतलब whatever the crops and varieties we are selecting, first we should keep in our mind that what type of soil is found in that particular region, what kind of climate is suitable. Okay, what kind of climate is prevailing in that particular region, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्रॉप्स और वराइटीज का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि सम क्रॉप्स आर बेटर सुटेड फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ सॉइल व्हाइल अदर क्रॉप्स रिक्वायर स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशन टू ग्रो। कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं दैट इज सुटेड फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ सॉइल, कुछ खास मिट्टी के लिए होते हैं,
इसका फर्दर हम लोग एग्जांपल्स आगे फर्दर हम लोग देखेंगे। और दूसरा क्या है इसमें कि कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, कि वो जो क्रॉप्स होते हैं हर क्षेत्र में वो कल्टिवेट नहीं किए जा सकते, ठीक है, दे रिक्वायर सर्टेन स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। आगे इसमें क्या पॉइंट्स है, मतलब ये चॉइस ऑफ क्रॉप्स एंड वराइटीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में डाइवर्सिटी, ऑर्गेनिक फार्मर्स ऑफन प्रायोरिटाइज क्रॉप डाइवर्सिटी बोथ विद इन एंड बिटवीन क्रॉप्स। दिस हेल्प्स टू सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, इम्प्रूव सॉइल हेल्थ एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर। ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं वो क्या डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग प्रकार के वराइटी, अलग अलग प्रकार के स्पीसीज को लगाते हैं, मतलब वो रोटेट करते रहते हैं, ठीक है, ये ना कि एक ही क्रॉपिंग पैटर्न, एक ही क्रॉप कल्चर को हम बार बार अपने फील्ड पे लगाएं, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है कि वो उनका जो ऑर्गेनिक फार्मर का मेन जो प्राथमिकता रहता है वो क्रॉप डाइवर्सिटी पे रहता है, बोथ विद इन एंड बिटवीन क्रॉप्स। उससे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहते हैं, जिससे क्या होता है जब हमारा बायोडाइवर्सिटी सही रहेगा तो उससे क्या होगा हमारा सॉइल का हेल्थ सही भी इम्प्रूव होएगा, और दूसरा चीज़ क्या होगा कि क्रॉप को फेल होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि एडेप्टेबिलिटी इन ऑर्गेनिक फार्मिंग द फोकस इज ऑफन ऑन चूजिंग क्रॉप वराइटीज दैट आर एडेप्टेड टू द लोकल इन्वायरमेंट एंड हैव अ नेचुरल रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेन हमारा फोकस क्या होता है, मेन एम क्या होता है कि वी हैव टू चूज सच काइंड ऑफ क्रॉप वराइटीज दैट आर एडेप्टेड टू द लोकल इन्वायरमेंट। मतलब लोकल इन्वायरमेंट का यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हमारे आसपास के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वैसे वराइटीज, वैसे क्रॉप का सिलेक्शन करना है जो कि हमारे आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उससे हम ग्रो कर सकें, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उसके प्रति वो क्या होता है एक तरह से रजिस्ट कर जाते हैं। जो भी इंसेक्ट पेस्ट हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उसको वो क्या इजिली रजिस्ट कर जाते हैं, मतलब उनका इफेक्ट नहीं होता है, कम होता है उस इंसेक्ट पेस्ट का उस पार्टिकुलर क्रॉप्स पे, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को हमें माइंड में रख के, ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है अपने क्रॉप्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप्स और वराइटीज का सिलेक्शन करना है। और अब आगे इसमें आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप देख सकते हैं इसमें कि नॉन जीएमओ क्या है, आप जानते भी हैं जीएमओ क्रॉप्स क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, उस प्रकार के क्रॉप्स को हमको इसमें यूज नहीं करने होते हैं। क्योंकि आपको पता है जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं, दीज आर द सच काइंड ऑफ क्रॉप्स इन विच जीन्स आर इंसर्टेड, दूसरे मतलब उस जीन्स को हम मॉडिफिकली जीन इंजीनियरिंग के टेक्निक्स के माध्यम से मॉडिफाई करके हम एक नया वैरायटी तैयार करते हैं दैट इज हार्मफुल, फॉर आवर इन्वायरमेंट एज वेल एज फॉर और इंसेक्ट पेस्ट के लिए भी हार्मफुल होते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो क्या होंगे उस पर होस्ट बना लेते हैं जिससे क्या होता है कि वो उनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारे ऑब्वियसली क्या हुआ इन्वायरमेंट में के लिए बहुत ही क्या हो जाते हैं नुकसान हो जाते हैं, करने लगते हैं हमारे इन्वायरमेंट। वही चीज़ लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मर्स डू नॉट यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स सो द चॉइस ऑफ वराइटीज मस्ट बी नॉन जीएमओ। ऑर्गेनिक फार्मर्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज इस्तेमाल नहीं करते हैं इसलिए उनका जो चॉइस ऑफ वराइटीज होना चाहिए वो मस्ट बी नॉन जीएमओ, मतलब जीएमओ क्रॉप्स के वराइटीज के अलावा लेना है हमें। ये क्या है कि क्या उनका चॉइस होना चाहिए क्रॉप्स और वैरायटीज का ऑर्गेनिक फार्मिंग में उससे रिलेटेड है, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस प्रिवेल करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में वाइल सिलेक्टिंग द क्रॉप्स एंड वैरायटीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका पार्ट क्या है इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी। सो ये जो आपका पार्ट है बहुत ही छोटा पार्ट था इस पर्टिकुलर टॉपिक का, चॉइस ऑफ क्रॉप्स एंड वराइटीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट, छोटा टॉपिक है। जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी आवर फंडामेंटल्स ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्हाट आर द फंडामेंटल मेथड्स ऑफ मैनेजिंग इंसेक्ट एंड पेस्ट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग,
हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि इंसेक्ट पेस्ट का कैसे हम रोकथाम करते हैं, बाई केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से। ओके, सेम चीज़ हम लोग इसमें भी स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करेंगे। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। टिल देन, अभी तक मैंने आपको जितना टॉपिक पढ़ाया है उसको आप प्लीज़ एक बार रिपीट करें। प्लीज़ गो थ्रू द टॉपिक दैट आई हैव टॉट टिल नाउ एंड प्लीज़ रेज योर क्वेश्चन ओके इन कमेंट सेक्शन, एज वेल एज यू कैन आस्क मी थ्रू माई कॉलिंग नंबर। ओके, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।